अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेरिया सिद्दीक। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोग कभी देख के मुझे कहेंगे जवेरिया आज पागल हो गई है और कार्टून बनाते बनाते ख़ुद भी कार्टून बन गई है। एक्चुअली द रीज़न इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस ऐप, देर आर टू रीज़न्स। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेरी डाउन, और मुझसे बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ जा रहा था। और बस मैंने सोचा कि मतलब अब नहीं हो सकती तैयार यार, बस तबीयत ठीक नहीं आज, और इसलिए मैंने सोचा ये ऐप यूज़ कर लेते हैं। और सेकंड रीज़न इसकी ये है कि जो फीमेल्स उनको परमिशन नहीं है और वो अपना फेस शो नहीं कर सकती, सो यू गर्ल्स कैन यूज़ दिस ऐप। ठीक है, मेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ मेल्स को भी देखा है वो भी ये ऐप यूज़ कर रहे होते हैं। और इस ऐप का जो नेम है ना, वो ऑलरेडी साइट पे आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर भी जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि इसका नेम क्या है। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था व्योंड के बारे में, कि व्योंड किस तरह से व्योंड पे काम करते हैं, व्योंड के कुछ ऑप्शंस बताए थे, उसका फ्री ट्रायल का तरीका बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और कुछ ऑप्शंस, कुछ टैम्पलेट्स के बारे में, और करेक्टर किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है व्योंड के अंदर। ठीक है, तो आगे सारी बातें होंगी इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये ऑप्शंस बताए थे और साथ साथ ये सारे ऑप्शंस क्लियर किए थे। आज जो है तो इस साइट की बारी है, इस एरिया की बारी है। यहाँ पे जो प्लस का साइन है, दिस इज़ अबाउट जूम इन। सो इफ़ यू वांट टू जूम इन, लाइक इफ़ यू कैनॉट सी दिस कैरेक्टर, सो यू कैन जूम इन लाइक दिस। और ये देखिए, नाउ इट्स क्लियर टू सी। ठीक है, अब आप वापस इसको जो है तो जितनी इसका जो पहला साइज था आप उसके अकॉर्डिंग लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से मतलब जूम आउट भी कर सकते हैं स्लोली, और जूम मींस फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं। मतलब जितनी पहली जो साइज़ था इसका, जितना साइज़ भी था उसके अकॉर्डिंग, ये फ़ौरन यहाँ से जल्दी से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है तो टैम्पलेट्स आते हैं इस लाइन में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं म्यूज़िक, और मींस के जो भी म्यूज़िक हम लोग वीडियो में ऐड कर सकते हैं वो सारा म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह यहाँ से। प्लस माइनस जो है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो ये जो इसका साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, वापस इसको अपने साइज़ पे लेके आते हैं। उसके बाद ये जो प्लस का साइन है, दिस इज़ अबाउट दीज थ्री ऑप्शंस, मींस ये है चूज़ टैम्पलेट। अगर यहाँ पे जितने भी सारे टैम्पलेट्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं। उसके बाद कंटिन्यू लास्ट सीन, मींस ये वाला जो सीन होगा हमारा, ये जो भी लास्ट सीन होगा वो टू टाइम्स आ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये है ऐड ब्लैंक सीन। अगर आपको एक बिल्कुल ब्लैंक सीन चाहिए जिसमें आपको ख़ुद से कुछ कस्टमाइज़ करना है, कुछ ऐड करना है, ख़ुद से जो है तो क्रिएशन करनी है, तो आप ऐड ब्लैंक सीन में जाएंगे और आपके सामने ये एक ब्लैंक सीन आ जाएगा जिसमें आप यहाँ से जाके बैकग्राउंड्स वगैरह कुछ भी, मतलब ये वाला ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर लें, ये नहीं तो यहाँ से अगर कोई बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ से करेक्टर्स उठा सकते हैं, उनको जो है तो ऐड करके कुछ और चीज़ें, कुछ चेयर टेबल, कुछ गाड़ी कार टैक्सी, कुछ भी ट्रीज़ वगैरह कुछ भी, आप लोग यहाँ पे इसको सीन के अकॉर्डिंग जो है तो सारा सीन जो है सारी स्लाइड कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन बताती हूँ जो कि इस किसी भी सीन के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, किसी भी सीन के ऊपर अगर आप अपने राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ये तीन जो है तो ऑलरेडी वही वाले हैं जो कि यहाँ पे क्लिक करने से शो हो रहे थे। अब मैं फिर से आपको बताती हूँ कि और जो है वो किस लिए होते हैं। ये कट है, मींस अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये सीन जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब ये कॉपी है, तो अगर आप चाहें तो कंटिन्यू सीन भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं इसी सीन को, या फिर आप किसी भी करेक्टर को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके, या फिर यहाँ पे भी आप क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं इस तरह से, और चाहे तो आप इस सीन को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट है, मींस पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सेव एज टैम्पलेट में इसका इट मींस के यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो सीन है जो आपने बनाया होगा ये सेव हो जाएगा। मीन्स समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ हमने सीन बनाए होते हैं
और वो सीन हमें पता होता है कि हमें फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उन सीन्स को सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद वो सीन्स जो है वो चूज टैम्पलेट में जा के यहाँ पे एक ऑप्शन है माय लाइब्रेरी का, यहाँ पे वो सारे सीन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बनाए हुए काफ़ी ज़्यादा सीन्स जो कि मुझे लगा था कि हमें आगे फ्यूचर में ज़रूरत हो सकती है, तो मैंने उनको यहाँ पर सेव किया हुआ है। तो यस, उसके बाद मैं आप लोगों को टैम्पलेट्स दिखाती हूँ कि टैम्पलेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं एंड लाइक यू कैन सी दीज थ्री ऑप्शंस, जिस तरह यहाँ पे शो हो रहे थे, यहाँ पे ये तीन शो हो रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें टैम्पलेट्स में भी शो होते हैं। जैसे ये बिजनेस फ्रेंडली है, ये वाइट बोर्ड का है और ये कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं बिज़नेस टैम्पलेट के बारे में बताऊं, तो ये कुछ टैम्पलेट्स हैं जो कि हमें यूज़ करने पड़ते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, और ये कुछ केटरिंग के हैं, मींस रेस्टोरेंट्स वगैरह अगर होटलिंग करनी है, तो ये कुछ चार्ट्स के लिए हैं, ये भी बिज़नेस के लिए यूज़ होते हैं। कॉन्सेप्ट्स हैं, मींस इसमें बहुत सारे हैं, डिफरेंट तरह के सारे टैम्पलेट्स हैं। ये जब हमारे सामने हमारा वो आता है स्क्रिप्ट, तब हमें पता चलता है कि हमें कौन सी टैम्पलेट जो है तो इस सीन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये अब एजुकेशन के बारे में, मीन स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ पे सारे ऑलरेडी मौजूद हैं। और उसके बाद ये गवर्नमेंट के हैं, एचआर में भी कुछ ऑफिस से रिलेटेड, और ये सारे आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, मीन्स यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल है, और वार्ड्स हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, पूरी सर्जरी, सर्जिकल वार्ड है और पूरी सर्जरी हो रही है यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे अब ये है, तो ये डॉक्टर जो है तो इसका चेकअप कर रहा है पेशेंट का। पेशेंट भी देखें ज़रा, पैंट और शर्ट में टाई लगा के बैठा हुआ है। एनीवेज, इसके अलावा जो है होम है। अब होम में अगर हम लोग जाते हैं तो ये देखिए, इतने प्यारे क्यूट क्यूट से घर बने हुए हैं, बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, जिम है, मतलब गाड़ियां हैं, घर हैं, कॉलोनीज बनी हुई, स्ट्रीट्स बनी हुई, सब कुछ है इसमें। उसके बाद लोगोस के लिए, मार्केटिंग के लिए, न्यूज़ के लिए है, मींस न्यूज़ चल रही हैं। ये देखिए कुछ स्टेजेस हैं ऐसे, और यहाँ पे न्यूज़ एंकर्स बैठे हुए हैं, न्यूज़ जो है तो वो पढ़ रहे हैं। और ऑफिस है, ऑफिस में इतने सारे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट, मतलब ऑफिस के बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं, आउटडोर ऑफिस, इनडोर ऑफिस, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पायरेट के हैं, कुछ सीन्स दूसरे सीन्स हैं, स्क्रीन्स हैं, कुछ शॉपिंग के लिए हैं, मीन्स यहाँ पे शॉपिंग हो रही है, स्पेस का है, सुपर हीरोज, टेक्नोलॉजी, टैक्स, ट्रेनिंग, ट्रैवल, सारे के सारे टैम्पलेट्स मौजूद हैं, और इतने ज़्यादा है ना कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, एक एक बताऊँगी तो सारा टाइम तो इसी पर लग जाएगा। उसके बाद वाइट बोर्ड का है, तो वाइट बोर्ड भी सेम इसी तरह है जैसे कि ये वाले थे, और अब ये जो है ये भी उसी तरह है, लेकिन ये थोड़े से चेंज है, मींस करेक्टर्स यहाँ पे चेंज है। अब जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये ऑफिस का है तो नहीं सॉरी कैटरिंग का है, तो ये यहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये इस तरह से, ठीक है, मतलब ये करेक्टर्स की जो शेप है ना वो चेंज है, मतलब ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पे भी लाइक काउंटलेस, वी हैव काउंटलेस ऑप्शंस, राइट। अब ये तो सारे हो गए टैम्पलेट्स के, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि करेक्टर को किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू करेक्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, देन सेव एंड गो। सेव एंड गो मींस कि जो हमने पहले की जो वीडियो बनाई हुई है वो सेव हो जाती है, मींस वेस्ट नहीं होती है, डिलीट नहीं होते सीन्स, वो सेव हो जाती है, और उसके बाद हम दूसरे एक और पेज के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लोड होने में। ओके जी, आगे हमारे सामने अब यहाँ पे आते हैं तीन ऑप्शंस, मींस आप वाइट बोर्ड को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसको या इसको, ये नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा अपग्रेड मांगता है और ये मैंने परचेज़ नहीं किया हुआ ये वाला, तो ये दो हैं, इसको कर लेते हैं। इसमें मेल फीमेल जिसको आप चाहें करते हैं, फीमेल को करते हैं। अब इसमें जो है तो अब ये न्यू इन्होंने अपडेट किया इसको, साइजेस है, मींस ये मेरी तरह स्मार्ट है, ये थोड़ी सी और मुझसे ज़रा सी मोटी, ये फिर उससे मोटी, और ये बहुत ही मोटी, और ये छोटा जो मतलब बच्चा होता है, बच्ची है उसके लिए। तो फिलहाल मैं ख़ुद को कस्टमाइज़ करती हूँ, ठीक है।
अब इसमें जो है तो मैं अपना कैरेक्टर बनाऊंगी, ठीक है, कि मैं कैसे दिखती हूँ, मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरा मेरी ड्रेसिंग एंड ऑल दैट. सो ये जो करेक्टर है ये अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब जो डार्क लोग होते हैं, ब्लैक पीपल जिनको कहा जाता है, ये उस इस तरह के होते हैं, ठीक है. अब इसको मैं चेंज करूँगी अपने करेक्टर में, यानी मैं कैसे दिखती हूँ. तो सबसे पहले मैं स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा चेंज करूँगी, और थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है मेरा, तो मैं इसको थोड़ा वीटिश कॉम्प्लेक्शन दूँगी. लाइक आई एम नॉट सो मच फेयर, गोरी चिट्टी नहीं हूँ मैं इतनी ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा इसको फेयर मतलब वीटिश कॉम्प्लेक्शन मैं इसको दे दूँगी. उसके बाद मैं अब यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल चेंज करूँगी. मैं आपको दो तरह का हेयर स्टाइल बताती हूँ. नॉर्मली जो आप लोगों ने मुझे देखा हुआ है दैट इज़ इन द स्कार्फ, तो मैं यहाँ पे स्कार्फ ले लेती हूँ, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे लिप्स चेंज करते हैं, उसके बाद लिप्स का कलर चेंज करते हैं, एंड समथिंग लाइक रेड, आई लव रेड लिपस्टिक, तो थोड़ा सा रेडिश कर लेते हैं ऐसे. ओके, अब इसके बाद कान तो ऑलरेडी मेरे छुपे हुए, नज़र ही नहीं आ रहे. आईज को जो है, ओ माई गॉड, लाइक आई एम लुकिंग हॉरिबल ऐसे. अब मेरी आँखें कुछ ऐसी ही हैं, ये तो मैं बिल्कुल बेचारी ऊपर दिखने लग गई हूँ, और ये तो कुछ चाइनीज टाइप, ये बेस्ट है आई थिंक. और अब यहाँ पे ये जो कलर्स लेंसेस का है थोड़ा सा ब्लूइश था है, मैं इसको डार्क ग्रे करती हूँ, लाइक ब्लैकिश. उसके बाद आईब्रोज जो हैं, आईब्रोज में भी ऑप्शंस हैं, थोड़ी सी थिन ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से ऐसे ही ठीक है. नॉर्मली तो मैं आईब्रोज बनाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी आईब्रोज की शेप ऐसी है. उसके बाद नाक पे आते हैं, कुछ ये, कुछ ऐसा, मेरे ख्याल से ऐसा ही है, इतना मेरा बुरा नाक नहीं है. ओ माय गॉड, सी यू कैन चेंज योर नोज, राइट, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है. उसके बाद जाते हैं, अगर आप चाहें तो आप ग्लासेस भी पहन सकते हैं, नहीं तो ये भी कोई भी ग्लासेस नहीं, तो बस ज़रूरत नहीं है, लाइक मैं यूज़ नहीं करती, तो आई एम नॉट गोना वेयर इट. अब जाते हैं यहाँ पे ड्रेस चेंज करते हैं, तो शरीफों वाला ड्रेस पहनते हैं, लाइक स्कार्फ के साथ, ये कुछ स्कार्फ ऊपर, कुछ मेरे गले में, ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, लाइक कोई भी कलर, थोड़ा सा पिंकिश चले, ये कर लेते हैं मैरून सा. और उसके साथ यहाँ पे मैरून के साथ कौन सा सूट करेगा मुझे, आई थिंक ये सही है, पर्पलिश, कोई भी, ये चले, ये ठीक है. उसके बाद ट्राउज़र पे आते हैं, तो ट्राउज़र मैं जो हूँ तो क्या पहनाऊँ, मतलब ख़ुद को मैं कौन सा ट्राउज़र पहना दूँ, आई थिंक ये बेस्ट है, ये शॉर्ट है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे लेट मी चेक कि मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, येस आई कैन चेंज इट. तो मैंने अपने यानी जो स्कार्फ था, ये वाला स्कार्फ, इसको और ट्राउज़र को, पाजामा जो मैंने पहना हुआ, इसको मैंने एक कलर दे दिए. अच्छा, मैं अब इसका जो है ना स्कार्फ का कलर भी चेंज करना चाहती हूँ, सो ये देखिए ग्रीन, और अंदर जो ब्लैक कैप नज़र आ रही है इसको मैं मैरून कर देती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐसे कर देते हैं. उसके बाद अब बारी आती है शूज़ की, तो शूज़ जो है मैं सिंपल चप्पल पहन लेती हूँ. तो ये वाले शूज़ पहन लेते हैं, ठीक है, और अगर आप लोग चाहें तो आप इन शूज़ के कलर भी चेंज कर सकते हैं. सी मैरून कर दिया मैंने, और इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी मॉडर्न बन जाती हूँ तो आई कैन वेयर दिस हील, राइट, तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, कैसा. तो इस तरह से आप अपना एक करेक्टर जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है. और अगर चाहें तो आप, अगर मैं आप लोगों को दूसरा अगर बताऊँ, जैसे मतलब विदाउट स्कार्फ जो है मेरी लुक क्या होती है, ऐसे तो आप लोग मुझे देख नहीं सकते, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विदाउट स्कार्फ जो है वो मेरी लुक क्या आती है. मेरी इधर एक बाल है, समथिंग लाइक दैट, लाइक इट्स ओवर, थोड़े कुछ ज़्यादा ही पफ बन गया, लेकिन मेरा इतना पफ नहीं होता, बस इतना होता है, तो ये थोड़े से डार्क ऐसे.
लाइक मैं ऐसे होती हूँ, मेरे बालों का स्टाइल ऐसे होता है, थोड़े लंबे बाल हैं मेरे यहाँ तक वैसे, लेकिन चलें इस तरह का करेक्टर बन गया। ठीक है, आप लोग इसको किसी भी तरह मतलब बना सकते हैं, कोई भी बाल लगा दें, मनाए इसे कर दें, ये कर दें, ये कर दें, कुछ भी, मतलब वेराइटी है यहाँ पे, कितनी वेराइटी। ये देखिए मैं खुद को ऐसे बना दिया, वाह वाह, आई एम लुकिंग सो क्यूट। कुछ भी कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कुछ भी बना सकते हैं आप किसी भी तरह से। ठीक है, ओके, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं, अब जैसे अब ये करेक्टर रेडी हो गया, ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे यहाँ से, और उसके बाद जाएंगे गो टू बियॉन्ड स्टूडियो, और ये करेक्टर हमारा सेव हो चुका है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी पूरी वीडियो में। सो फाइनली आज आप लोगों ने सीखा कि करेक्टर्स को किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है वियॉन्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वीडियो किस तरह से बना सकते हैं इन टैम्पलेट्स वगैरह को, करेक्टर्स सबको यूज़ करके। इस ऐप के बारे में आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, इस तरह की जो ऐप्स होती हैं नॉर्मली वो यूज़ होती हैं आईफोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूज़ नहीं होती, लेकिन ये आप लोगों के लिए ढूंढ ढांड के मैं लेके आई हूँ, पता नहीं कहाँ से मुझे मिली है, बड़ा ढूंढा मैंने लेकिन मुझे मिल गई फाइनली। और ये उन लोगों के लिए, एज आई टोल्ड यू, के जो लोग अपने फेस को शो नहीं कर सकते, तो आप लोग इस तरह की यही, बल्कि यही एक मुझे ऐप सही मिली है एंड्रॉयड फोन्स के लिए, तो आप इस ऐप को यूज करके अपनी वीडियोस बना सकती हैं, मेल्स फीमेल्स जो भी। ठीक है, सो एट द एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, काइंडली आप जाके उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियोस को व्यू कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। सो Till the next video, take care of yourself. Allah Hafiz.